गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनीषा, तो वेलकम ऑन माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं अपना मॉर्निंग रूटीन से लेके लंच प्रिपरेशन तक। तो मॉर्निंग में मेरा काम होता है सबसे पहले नीरव का लंच प्रिपेयर करना। तो आज मैं नीरव को बना रही हूं आलू का पराठा, और बहुत ही टेस्ट एंड यम्मी बनता है। तो यहाँ पे जो आलू है वो ऑलरेडी बॉईल करके रखा हुआ था मैंने, उसको मैं पहले ही दिन बॉईल कर देती हूँ, या जब भी ऐसे कोई वेजिटेबल बनाती हूँ जिसके साथ मैं आलू को बॉईल कर सकती हूँ उसके साथ मैं उसको आलू को छील के सिर्फ एक ही आलू का, जैसे पराठा मुझे बनाना होता है, हम सब इतने मतलब नहीं खाते हैं पराठे वगैरह। तो नीरव के लिए मैं एक आलू को छील के उसको धुल के और सब्जी के अंदर ही डाल देती हूँ ताकि वो बॉईल हो जाए। अलग से अगर ज़रूरत होती है तो फिर अलग से बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। आटा मैं फ्रेशली ही गूंथती हूँ, लेकिन कल रात को ये बच गया था तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अब वही आटा मैं यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं प्रेफर करती हूँ कि जो आटा है वो मैं सुबह ही गूंथ लूँ, इतना टाइम लगता नहीं है उसमें, और फ्रेश आटे से रोटियाँ हैं या फिर आपका पराठा वगैरह है वो बहुत ही अच्छा बनता है। बट कोई बात नहीं, अब आटा रखा हुआ है तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं आलू का पराठा। और जब मैं परी के लिए बना, जो नीरव के लिए बनाती हूँ, उसी टाइम पे मैं परी का भी बना के रख देती हूँ पराठे वगैरह एक साथ ही। तो आलू को मैंने हाथ से मैश कर लिया है, इसके अंदर अब मैं नमक डाल दूँगी। तो नमक हम आटे में भी डालते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा कम ही रखती हूँ, जो पराठे होते हैं ना उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ही डालती हूँ मैं। उसके साथ मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी मैं इसमें गरम मसाला, और उसके साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी जो लाल मिर्च है वो, और साथ में डालूंगी थोड़ा सा जीरा पाउडर और चाट मसाला। तो इनसे ना जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो मैं अपने मसालेदाने में इनको नहीं रखती क्योंकि कभी कभी ये यूज़ होते हैं, तो ये जीरा पाउडर है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसको आप पराठे में डाल के देखिएगा, बिल्कुल ही आपको अलग से टेस्ट आएगा। और हाँ, आप इसके अंदर जो सूखा जीरा, जो जीरा हम छोकले यूज़ करते हैं ना, वो भी डाल सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। ये मेरे जो हाउस हेल्पर थी ना पहले सेक्टर 21 में, उसने बताया था, तो उसने मुझे एक्चुअली बना के खिलाए थे पराठे, तो उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बट थोड़े बच्चे होते हैं ना, नखरे वाले होते हैं, तो इसलिए मैं जीरा पाउडर ही यूज़ कर लेती हूँ जीरे की जगह पर। अदरवाइज़ आप जीरा डाल के देखिएगा तो बहुत अच्छा होता है। और मैं इसको हाथ से ही मैश करती हूँ क्योंकि स्पून के बजाय हाथ से बहुत अच्छे से मैश हो जाता है। और आलू को भी मैंने हाथ से ही मैश किया था, तो मुझे मैशर वगैरह की इतने रिक्वायरमेंट नहीं होते, तो मैं थोड़ा बहुत बनाना होता है हमें, तो मैं हाथ से ही कर लेती हूँ। तो देखिए पराठा कह रही हूँ आलू का जो स्टफ है वो बन के तैयार हो गया पराठे का। और ये है जो, इससे दो पराठे मेरे ईजिली बन जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, अभी सर्दियाँ हैं तो नीरव थोड़ा कम ही प्रेफर करता है, उसको ना थोड़ा गरम गरम खाने की हैबिट है, तो वो अगर मैं उसको एक पराठा दूंगी ना तो उसको ख़त्म करके ही आएगा। और जैसे मैंने पहले भी बता रखा आप लोगों को, ट्रिक बता रखी कि बच्चा अगर एक ही खाता है तो उसको थोड़ा सा मोटा बना दो, तो मैं वही नीरव के लिए बनाऊंगी। और जो सारी चीज़ें हैं उनको मैं साथ के साथ ही उठा करके और रख दूंगी, ताकि जो मेरा काम है वो ना फैला रहे। और जो परी का पराठा है वो भी मैं साथ के साथ बना दूंगी। तो ये देखिए मैं जो सामान है वो एक साथ अपना उठा के रख देती हूँ, तो इससे जो स्लैब वगैरह है मेरा वो भी साफ़ रहता है, और मुझे काम करने के लिए जो स्पेस है वो भी मिल जाता है। थोड़ा बहुत तो फैलता ही रहता है, और आजकल सर्दियाँ हैं तो घी की प्रॉब्लम है ही, और घी मैंने रख दिया है। तो जब तक मेरा तवा गर्म होगा मैं नीरव के कपड़े निकाल के रख देती हूँ। आज एक्चुअली हम पूरे आधा घंटा लेट उठे हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। तो बच्चों से तो आप कितना भी बोल दो कि बेटा जल्दी कर, पर वो करते नहीं हैं। तो जब तक नीरव नहा के आएगा, मैंने उसके कपड़े रेडी करके रख दिए हैं, और यहाँ पे जो तवा है मेरा वो भी गर्म हो गया। अब मैं फटाफट से उसके लिए एक पराठा बना देती हूँ। और जैसे आज नीरव लेट उठा है तो खा के तो कुछ नहीं जाएगा, पर देखती हूँ क्या खिलाऊँ उसको। तो और पराठा यार, मैं मतलब इतनी एक्सपर्ट कुक नहीं हूँ, तो प्लीज़ डोंट जज अगर कहीं से फट जाता है या राउंड नहीं बनता है, तो राउंड तो मुझसे रोटियाँ भी नहीं बनती यार कभी, मतलब जो परफेक्ट राउंड होता ना, वो मुझसे आज तक वो रोटियाँ नहीं बनी हैं। तो बस अब मैं जो आलू की स्टफिंग है अच्छी खासी, वो इसके अंदर भर दूँगी, और इसको बस इस तरह से रोल करके इस तरह से बनाती हूँ मैं जो पराठे होते हैं, मुझे इसी तरह से बनाना पसंद है और इसी तरह से बना पाती हूँ। तो बस इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से प्रेस कर दूँगी ताकि ये फैल जाए, और फिर मैं इसको मतलब जो बेल दूँगी अच्छे से। तो थोड़ा सा प्रेस करने से क्या होता है ना, वो बेलने में ईजी रहता है, और आपका जो स्टफिंग है वो बाहर नहीं आती। तो ये जो भी मसाले मैंने यूज़ किए हैं, इस तरह से प्लीज़ बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी एंड यम्मी बनते हैं। और जो आपका आटा है ना, वो ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, और जो आपका आलू की स्टफिंग होती है ना, वो भी ठंडा आलू होना चाहिए। अगर गर्म आलू के आप बनाओगे ना, गर्मा गर्म आप सोचो कि आलू बना करके करेंगे, तो भी वो आप जो पराठे हैं वो अच्छे से नहीं बनते। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर आलू के पराठे में आप
जो अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है ना, अगर वो बनाओगे ना उसको मिला करके तो बहुत ही टेस्टी बनता है। लेकिन नीरा को स्कूल लेके जाना है इसलिए मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन अगर आप घर पे बनाते हो तो उसमें प्लीज़ अदरक लहसुन का पेस्ट वो डाल के देखिएगा, तो आप बोलोगे क्या परांठे बने हैं, मतलब बहुत अच्छे बनते हैं। लहसुन थोड़ा सा उसमें ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप कहोगे तो मैं कभी फिर बना के दिखा दूँगी, बट मैंने आपको बता दिया है कि आप इस तरह से बना के देखिएगा तो बहुत ही अच्छी बन जाते हैं वो जो परांठे होते हैं वो। तो पहले मैं अभी नीरव का जो परांठा है वो रेडी कर देती हूँ फटाफट से, और साइड बाय साइड जब तक परांठा बना, क्योंकि एक ही बनाना है मुझे, तो तब तक मैं नीरव का जो टिफ़िन है वो रेडी कर देती हूँ। एक फ्रूट डालती हूँ, मैं हमेशा ही ट्राई करती हूँ कि हमेशा एक फ्रूट रखूँ, तो आजकल सीजन चल रहा है ग्रेप्स का, तो नीरव को ग्रेप्स और ऑरेंज दोनों ही पसंद है, तो मैंने आज उसके लिए ग्रेप्स रख दिए हैं। और जो पराठा है वो हमेशा ही मैं देसी घी में बनाती हूँ, तो मैं बोलूँगी आप कभी भी रिफाइंड का यूज़ ना करें पराठे वगैरह बनाने के लिए, तो देसी घी में ही बनाएं, वो हेल्दी रहते हैं बच्चों के लिए और आपके लिए भी। आप स्टफ़ रोटी बना के ऊपर से घी रखिएगा तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्दी रहेगा। तो बस ये जो आलू का पराठा है देखिए बिल्कुल फूला हुआ बन गया ना, एकदम से फूल के बहुत ही अच्छा सा ये बना है। तो बस अब इसको सेक लेंगे अच्छे से हम, देखिए बिल्कुल फूला फूला बना, तो क्योंकि आपका जो आटा और जो स्टफिंग है ना दोनों ही ठीक होती है, तो इस तरह से फूले हुए जो परांठे हैं वो बनते हैं। और नीरव को आलू के परांठे आजकल पसंद आने लग गए हैं, अदरवाइज तो उसको प्याज का परांठा पसंद था, तो बच्चों की चॉइस कब चेंज हो जाए कुछ नहीं पता चलता, तो आजकल तो वो जब भी डिमांड करता है तो आलू के परांठे की ही करता है, प्याज का परांठा नहीं करता। तो बस जो नीरव का लंच है वो हो गया है हमारा रेडी, और उसके ऊपर मैं एक चम्मच देसी घी और लगा दूंगी, इससे हेल्दी भी होगा और जो पराठा है वो भी सॉफ्ट रहेगा। तो एक चम्मच घी को प्लीज़ ज़रूर रोटी के ऊपर लगाइए, और बस अब मैं इसको रख दूंगी। और इसको पैक करने के लिए मैं जो रैपिंग पेपर है फूड रैपिंग पेपर वो यूज़ कर रही हूँ, और बस अब लंच बॉक्स हो गया है रेडी। लंच रेडी हो गया है। ब्रेकफास्ट में नीर को दूध और एक ब्रेड पे मैंने लगा दिया है बटर, तो यही मैं उसको दूंगी ब्रेकफास्ट में। इतना लेट उठने बाद वो ये खा लेगा, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, बट कुछ ना कुछ वही खाते हुए चले जाना चाहिए बच्चे को। ब्रेड खा लिया या फिर केला दे दिया दूध के साथ, ऐसा ही कुछ करती हूँ। और यहाँ पे मैं नीरू को रेडी करने जा रही हूँ, उसको कितना भी बोलो बेटा जल्दी कर ले, बेटा जल्दी कर ले, बट होती ही नहीं है यार जल्दी, तो पता नहीं बच्चों को समझ में ही नहीं आती जल्दी का मतलब क्या होता है। हाँ, उनको अपने काम की बातें समझ में आ जाती है, अगर उनको कुछ कहीं जाना है, कुछ करना है, ख़रीदना है, तो फिर बोलेंगे मामा जल्दी जल्दी चलो बाहर चलना है। लेकिन जब स्कूल का टाइमिंग होता है तब बोलो बेटा कैब आने वाली है जल्दी चलो, तो समझ में नहीं आता उनको भाई। मतलब नीरव के साथ तो ऐसा ही होता है, इसलिए मैं उसको ना 6 बजे उठा देती हूँ ताकि मुझे बोलना ही ना पड़े कि बेटा जल्दी करो, आराम से रेडी हो जाता है फिर अपना 7:30 तक। और नीरव को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ मैं, उसके साथ ही मैंने यहाँ पे परी का जो परांठा है वो रेडी कर दिया है। एक उस स्टफिंग से मेरे 2 पराठे बन गए हैं, और यहाँ पे परी का जो है वो मैं पराठा बना के रख दूँगी, बट वो थोड़ी सी चूजी है, उसका जो मूड करता है वही खाता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं खाती, वो खाती है लेकिन उसका मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या खाएगी। तो चलो फिर भी मैं जब भी कुछ ऐसा पराठा वगैरह कुछ बनाती हूँ मॉर्निंग में, तो मैं अपनी एक स्टफ़ रोटी जैसे बना लेती हूँ, एक पराठा परी का बना के रख देती हूँ। लेकिन आज मैं स्टफ़ रोटी नहीं खा रही क्योंकि वैसे भी स्टफिंग कम थी, तो बस मैंने परी के लिए बना के रख दिया कि एटलीस्ट परी तो खा लेगी, और साथ के साथ मैं किचन को समेट दूंगी मॉर्निंग में जैसे ब्रेकफास्ट जो बना है। और आप सोचेंगे कि विनोद के लिए लंच वगैरह या ब्रेकफास्ट, क्योंकि विनोद आज आए नहीं थे तो इसीलिए मैंने, हम लोग ही हैं तो मैंने अपने लिए बना ली है चाय, और बाकी जो बर्तन वगैरह है वो मैं थोड़ा सा निपटा के रख दूंगी। जैसे गाजर का हलवा थोड़ा सा बच गया है तो उसको कटोरी में डाल दूंगी, इतना बड़ा टिफ़िन रखने की ज़रूरत नहीं है मुझे किचन उसमें फ्रिज में, तो इससे स्पेस बना रहता है और आपके बर्तन भी खाली हो जाते हैं। साथ के साथ थोड़ा सा मैं पानी पीती रहूँगी अपना, और नीरव ने जो थोड़ा सा दूध छोड़ दिया था वो रख दिया है, परी उसको पी लेगी, क्यूट सा परी का सिपर है। और जो बर्तन वगैरह मैंने अभी जैसे ग्रेप्स धोने के लिए यूज़ किए थे, दूध का यूज़ किया था, इनको मैं ढक के रख देती हूँ ताकि परी के लिए दूध गर्म करने के लिए काम आ जाए, तो इससे रीयूज हो जाता है आपका और बर्तन भी ज़्यादा नहीं होते।
और ये जो बिस्किट मैंने आप लोगों को दिखाया था, फिलहाल मैं ये एक बिस्किट लूँगी। थोड़ा सा मोटा तो बन ही गया यार, ये देखिए थोड़ा मोटा हो गया है बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छे से बनाएंगे। और आधा कप ली है मैंने चाय, तो ये चाय और बिस्किट एक ही कप है, सॉरी मुझे लगा आधा कप है तो इस कप में मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों इसमें चाय का मतलब वो होता है स्वाद ही मतलब अलग हो जाता है इस कप के अंदर, आई डोंट नो क्या है। तो इस एक कप चाय के साथ एक बिस्किट और बाकी जो लूँगी मैं परी के उठने के बाद। और यहाँ पे परी उठ चुकी है और परी सुबह अपना एंजॉय करती है बिस्किट, तो परी अपनी चाय बिस्किट से एंजॉय कर रही है। मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की, चाय पीती नहीं है, सिर्फ डिप करने के लिए यूज़ करती है। तो कुछ एक साथ के साथ एक ऐसे काम होते हैं ना जो एक्स्ट्रा, जैसे घी निकालने का काम है ये, या तो मैं मॉर्निंग में करती हूँ या शाम को खाना बनाते हुए, तो इससे क्या होता है टाइम सेव हो जाता है। तो आप एक साथ जब किचन में आए तो ट्राई कीजिएगा कि कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आप एक साथ निपटा सकते हैं, तो उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा और आपसे अलग से आपको टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ बैंगन मसाला या भरवा बैंगन मसाला बोल सकते हैं, मैंने ही आप लोगों के साथ पहले शेयर किया था लेकिन वो कुछ डिफरेंट था और आज का हम बनाएंगे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं। और ये बैंगन मतलब मुझे कई जो बनाते हैं ना वो ऐसे ही इसमें चीरा लगा करके बनाते हैं, तो उससे ज़्यादा मुझे बेटर इस तरीके से लगता है। और दूसरा, अगर आपके पास बेबी है तो आपको थोड़ा सा टाइम आपको अपना कहीं ना कहीं सेव करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है जैसे चीरा लगा करके फिर उसके अंदर मसाला भरना और वो सब। तो नो डाउट कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कुछ टेस्ट अलग आता है, तो आप बना के देखिएगा टेस्ट वही आपका सेम आएगा। और परी ने यहाँ पे दो छुपा लिए हैं, तो देखो कैसे मेरा ऐसे करती है परी ये देखिए इसकी नोटिंग किया, तो दो जो बैंगन है परी ने अपने छुपा लिए, ये नहीं देने वाली है, ये देखो लो छुप गए भाई, छुप गए गुम हो गए ऐसे करती है। तो थोड़ा सा इस तरह से मैं क्या, चलो जब तक तू भी इंजॉय कर ले, मैं तब तक अपने जो प्याज वगैरह है वो कट कर लेती हूँ। और यहाँ पर ही मेरे साथ ही बैठी रहती है एंड वो काफ़ी टाइम से बैठ रही है, तो वो आप लोगों ने बोला था मैं इसका ध्यान रखूँ तो बिल्कुल ध्यान रखती है, और लेकिन वो थैंक गॉड इतनी समझदार है कि वो बिल्कुल भी नीचे उतरने की या उस तरह से कुछ भी ट्राई नहीं करती, बिल्कुल आराम से बैठी रहती है। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में ही लंच को बना लेती हूँ, उसको प्रिपेयर करके रख देती हूँ सब्जी वगैरह, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप बना लेते हो ना तो आपको बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है और आपको दिन में काफ़ी टाइम मिल जाता है दूसरे काम करने का। तो मैं इसी को मतलब जब तक, क्योंकि परी है तो मैं उसके साथ भी लगी रहूँगी, वो मेरे साथ बैठ के, मैं उसके साथ खाली उसको लेकर के बैठूँ, उससे बेटर है कि मैं उसको अपने साथ बिठा करके काम करती रहूँ। तो परी बिस्किट खा चुकी है, अभी इसको चाहिए ग्रेप्स, तो मैं यहाँ पे उसको ग्रेप्स वॉश करके दे दूँगी, गर्म पानी में मैं थोड़ी देर भिगो के रख दूँगी और फिर उसको वॉश करके ग्रेप्स दूँगी, वो अपना ग्रेप्स इंजॉय कर लेगी। जो बैंगन कटे हुए हैं उनको हमें कोट करना है मसाले से, जिसमें मैंने ऐड किया है हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर और नमक। तो इन सब चीज़ों से हम अच्छे से इनको कोट कर देंगे ताकि जो मसाले हैं वो बिल्कुल बैंगन के अंदर तक चले जाएं और जो उसका टेस्ट है वो बैंगन के साथ भी आए। अदरवाइज़ क्या होता है, बैंगन में वो टेस्ट नहीं आता जो कि आप फिर मसाले से आपको अलग से लेना पड़ता है। तो बस मैंने यहाँ पर डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें जो राई है वो भी ऐड कर दिया और बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी इस तरह से अपने हाथों से, या स्पून से भी कर सकते हैं बट हाथों से अगर आप मिक्स करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से कोट हो जाता है। तो ये मेरा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है, सरसों ऑयल मैंने किया है। अब मैं पहले इनको फ्राई कर लूँगी हल्का सा इसमें, और जिससे क्या होगा ये अलग इनके ना जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा सा आता है और ये गल भी जाएंगे, तो इससे आपकी जो वेजिटेबल है वो भी काफ़ी अच्छे से बन जाएगी। अगर आप ज़्यादा जल्दी में हैं तो एक तरफ आप इसको रख सकते हैं और दूसरी तरफ आप रख सकते हैं अपने छोंक को रेडी कर सकते हैं। तो मुझे इतना कोई जल्दी है नहीं, तो मुझे लगी हुई है भूख, मैं अपना बना रही हूँ अभी ब्रेकफास्ट, तो मैं पोहा खाऊंगी। तो पोहे की रेसिपी मैं बहुत बार आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, तो जस्ट मुझे पोहे का क्या है कि आपको अच्छे से उसको वॉश करना होता है जब तक कि उसके जो अंदर वाइट वाइट उसका जो पानी होता है ना वो ना निकल, उसका वो क्लियर आना ना स्टार्ट हो जाए, तब तक उसको आप इस तरह से धोते रहिए और इसको भिगो के रखने की जरूरत नहीं है, बस इसको अच्छे से वॉश करना होता है। तो मैं चलते पानी में इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। तो देखिए जो बैंगन है मेरे वो बिल्कुल एकदम रेडी हो चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये अच्छे से इन पे कलर आ गया है, बस अब मैं इनको निकाल लूँगी और जो मसाला था वो भी अच्छे से कोट हो गया है। तो इसी कढ़ाई में मैं जो अपना छोंक है वो रेडी करूँगी और इनको अलग से निकाल के रख लेते हैं।
मसाले के लिए मैंने यहाँ पे दो बड़े टमाटर ले लिए हैं, दो बड़े प्याज लिए हैं, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट है। तो बस खाली करनी है कढ़ाई को और छौंक रेडी करना है। इसी ऑयल में हम यहाँ पे डाल देंगे, पहले जीरे का छौंक लगाएंगे, उसको गर्म कर लेती हूँ मैं। और यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, साइड बाय साइड जो मेरा ब्रेकफास्ट करना है मुझे वो भी मैं रख लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई रख ली और उसके अंदर डाल दी है वही बेसिक सी चीज़ें। तो ये मैं आप लोगों को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाली कि क्या क्या डाला है, मैं बिल्कुल बोर नहीं करने वाली। आप कहेंगे बस पोहा पोहा ये लगा रहता है तुम्हें तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से आज अपना जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी करूँगी। मुझे कुछ इतना नहीं होता, जब विनोद होते हैं तो मैं काफ़ी अच्छे से बनाती हूँ, और अपने लिए जब बनाना होता है तो थोड़ा ऐसा ही बना लेती हूँ। तो आई थिंक सबके साथ ऐसे ही होता है। तो जीरा और हींग इसमें चला गया है मेरा, उसके बाद डाल देंगे हम इसके अंदर अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो। इसको अच्छे से एक मिनट के लिए पका लेंगे हम, और इसका सीक्रेट क्या है वो मैं बाद में आपको बताऊंगी, अभी नहीं बता रही हूँ। तो बस इसको एक मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। बस इनको अच्छे से जो मसाला होता है ना, जो आप ये अदरक लहसुन डालते हो या प्याज डालते हो, इनको अच्छे से पकाना होता है। तो मैंने जो प्याज है वो स्लाइसेस में काटे हैं, छोटे छोटे जो छोंक वाले होते हैं वो नहीं काटे। इसमें डाल देंगे हल्दी और जो प्याज है उसको अच्छे से भूनेंगे, जो बाकी मसाले हैं वो हम बाद में डालेंगे, अभी ऐड नहीं करने वाले। और अगर पीछे से आपको साउंड आ रही है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, कंस्ट्रक्शन चल रही है। टमाटर डाल दिया, टमाटर डालने के बाद वही आप अपने बेसिक मसाले डाल दीजिएगा, धनिया पाउडर उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दीजिएगा, और बाकी सब मसाले वही जाएंगे। उसके साथ मैं इसमें डाल दूँगी नमक ताकि अच्छे से पक जाए, और थोड़ा सा इसमें वही हम जो घी डालते हैं वो डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने डाला है 1/4 अनारदाना, इससे बहुत ही अच्छी सी जो आपके खुशबू है ना वो ऐड हो जाती है अनारदाने से। तो मैंने थोड़ा सा इसमें अनारदाना डाल दिया है। तो बस यही है इसका, और इसको अभी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। कैमरामैन है अभी पर तो ये सब्जी जो मेरी है वो बनके रेडी हो चुकी है। ये देखिए रेडी हो चुकी है मेरी सब्जी, बस छौंक को आपको रेडी करना है, आपको ऐड कर देना है अपने बैंगन, और ये आपका भरवा बैंगन मसाला रेडी हो गया है। बना के देखिएगा, कुछ और इसमें ऐड करना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि क्या ऐड करूँ मैं इसके अंदर। तो चलिए, जो हमारा खाना है वो लंच है वो मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया, जो बर्तन है वो खाली कर दिए हैं। ये हमारा हो गया है ब्रेकफास्ट, तो परी ने रिफ्यूज़ कर दिया है पराठे को। परी खाएगी अपना पोहा खाएगी मेरे साथ, आप देख सकते हैं परी खा ही रही है। तो कुछ इस तरह से होती है मेरी मॉर्निंग, मेरे दोनों बच्चों के साथ में ब्रेकफास्ट और लंच का प्रिपरेशन। तो इसके बाद जब मैं लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ ना, तो मेरे पास काफ़ी टाइम बच जाता है। लंच तक अब मेरे पास टाइम है, मैं कुछ भी अपना एक्स्ट्रा काम, घर का काम करना है या मुझे अपना यूट्यूब का काम करना है वो मैं कर सकती हूँ। सिर्फ एक लंच में एक सब्जी बना के रखने से ही मॉर्निंग में आपको काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाएगा दूसरे काम करने के लिए। और आप चाहें तो इस टाइम पे आटा भी करके रख सकते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में तो जल्दी जल्दी हो जाता है और फिर काफ़ी सारा टाइम सेव हो जाता है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।